हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। फिजिक्स की आज इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम आज लेके आए हैं लेसन नंबर 2 का लेसन नंबर 2.4। लेसन नंबर 2.4 के अंदर जो हमने लेसन नंबर 3 पढ़ा था, लेसन नंबर 3 में के अंदर हमने गॉस का नियम पढ़ा था और उसके महत्वपूर्ण बिंदु जो थे वो हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ये गॉस का नियम जो है वो क्या कूलम के नियम सत्यापित हो सकता है, तो कैसे होगा उस कूलम के नियम सत्यापित उसका प्रूफ करेंगे। और जब भी गॉस का नियम अगर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर तो ये कूलम के नियम द्वारा प्रूफ अवश्य पूछा जाता है। इसके अलावा हम देखें कि कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न करेंगे जिसमें हम विद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद गॉस के नियम के जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे, और इसकी जो आगे आने वाली लेक्चर सीरीज होगी उसके अंदर हम घन संबंधित गॉस की समस्याएं के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर सीरीज को, और पहला टॉपिक हमारे पास है कूलम के नियम द्वारा गॉस के नियम का सत्यापन। के कूलम के नियम द्वारा गॉस के नियम का सत्यापन कैसे करें, प्रूफ कैसे करें, उस चीज के बारे में देखें। तो मैंने क्या माना बेटा कि माना एक फ्रेम ऑफ निर्देश तंत्र था, उस निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर एक परीक्षण आवेश, सॉरी एक स्रोत आवेश पड़ा था, एक स्रोत आवेश स्थित, इस स्रोत आवेश स्थित है, इस स्रोत आवेश को से आर दूरी को हमने त्रिज्या मानते हुए, क्योंकि हमें क्या निकालना, गॉस का नियम निकालना है। तो गॉस का नियम निकालने के लिए गॉस के नियम में हमने स्टेटमेंट पढ़ा था वो था विद्युत, सॉरी मुक्त आकाश में किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। तो बंद पृष्ठ मतलब हमें क्लोज सरफेस चाहिए, तो सबसे पहले हम इस आवेश को बंद करने के लिए मैंने आर दूरी को त्रिज्या मानते हुए हमने क्या माना, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की क्या कर दी मैंने कल्पना कर दी। ये गोलीय गॉसियन पृष्ठ जो है वो 3D के अंदर है, इसका मतलब ये गोलीय गॉसियन पृष्ठ इस आवेश को जो हमारे पास आवेश पड़ा था, इसको स्रोत ना माने कुछ भी आवेश मान ले, उस आवेश को क्लोज कर दिया, मतलब इसके अंदर आ गया इस गोली आवेश। तो अब इस जो गोली आवेश के अंदर आ गया क्यों आवेश, तो हम क्या निकालेंगे, इस गोलीय जो गॉसियन पृष्ठ माना है उस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना होगा, और जब गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे किसकी, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो वो जो उसका मान आएगा वो क्या आएगा, पूरा पूरा गॉस के नियम का जो होता है फ्लक्स वो होता है फाई बराबर कितना होता है समेशन क्यू अपॉन में कितना होता है एप्सिलॉन लोड इनसाइड, इसके इक्वल आ जाएगा। तो जो हमारा मेन मुद्दा है वो हम चलो शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमने क्या किया, इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ, गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु पी पर डीए अल्पांश की कल्पना की, डीए अल्पांश की कल्पना की। तो जो गोली पंच को ये बिंदु P मान ले, मैंने इस बिंदु P पर मैंने क्या किया, एक डीए अल्पांश की कल्पना कर ली, ये हमारे पास क्या है एक डीए अल्पांश है, ठीक है। इस बिंदु P पर, बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बिंदु P पर, अगर E वेक्टर निकाले तो ये वेक्टर होगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू जो स्रोत आवेश है अपॉन में कितना होगा आर स्क्वायर इंटू कितना होगा आर कैप, ठीक है। आर कैप क्यों हुआ, क्योंकि जो स्रोत आवेश है वो हमारे पास क्या है धनावेश है, और धनावेश जो तीव्रता होती है वो किसी दिशा क्या जाती है लंबवत बाहर की ओर, या आर कैप जो है वो क्या है इस तरह, ठीक है। अब हम क्या करेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से डीए अल्पांश जो हमारे पास डीए अल्पांश लिया है, डीए अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो इस डीए अल्पांश विद्युत फ्लक्स, तो प्रिय विद्यार्थियों जो हमारे पास ये डीए अल्पांश की हमने कल्पना की, इस डीए अल्पांश से कितना फ्लक्स निकल रहा है हम उस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स के बारे में हम जानते हैं कि फाई बराबर कितना होता है ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, तो हमें ई वेक्टर और डीए वेक्टर के मध्य क्या निकालना, कोण निकालना। तो देखो सुनना बेटा कि यहाँ पे जो आर वेक्टर है वो किस तरफ है, त्रिज्य दिशा में लंबवत बाहर की तरफ, और क्षेत्रफल सदिश गोले का जो होता है वो भी किस तरफ होगा, इसके पृष्ठ के लंबवत कितना होगा बाहर की ओर, इसका मतलब जो डी और एन केप होगा वो भी इस तरफ है, और आर केप भी किस तरफ है इस तरफ, अतः थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो डीएल पांच फ्लक्स फाइव बराबर कितना हो जाएगा
वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, खोलें तो बेटा कितना देगा, फाइव बराबर ई वेक्टर ई डी ए और कितना आएगा कोस थीटा, और थीटा बराबर क्या है जीरो डिग्री, थीटा बराबर जीरो, कोस जो मतलब कितना होता है एक, तो हमारे पास फलक कितना देगा अल्पांश से वाला, अल्पांश से फलक आएगा फाइव बराबर ई डॉट डी ए, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, तो पुट करने पर हमारे पास कितना आएगा डी फाई का जो मान आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज डी क्यू ओपन में कितना आएगा सॉरी क्यू ओपन में आर स्क्वायर, और कितना आ जाएगा डी ए, हमने इसका परिमाण लिया, ये हमारी समीकरण नंबर तीन। अब हम क्या निकालेंगे संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा फाई बराबर इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल कितना होगा डी फाई के इक्वल, तो हमारे पास क्लोज इंटीग्रल डी फाई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, वो कितना आएगा डी ए, जो चीज कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकाल दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है आर स्क्वायर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, क्लोज इंटीग्रल कितना आ जाएगा डी ए। बेटा अब जो ये डी ए है वो हमारे इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये तो हमारे पास बनाया है गाउसियन पृष्ठ, ये कह सकते हो काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसको आवेश को परिवर्तित कर रहा है, तो गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा आपको पता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है ए बराबर देखा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा कि जो क्लोज इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी क्लोज सरफेस की वो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगी। अब अगर ये वैल्यू मैं यहां रख दूं तो कितना आएगा फाइव बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सॉरी स्मॉल, क्योंकि गोले की तो त्रिज्या मानी थी हमने वो कितनी थी स्मॉल आर की, ठीक है, अब स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल आर स्क्वायर कट जाएगा और 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो फाइव फ्लक्स जो आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना आएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और अगर गाउस का नियम हमने पढ़ाया इसे तो गाउस के नियम से भी जो फ्लक्स आएगा इसका देख लो कितना आएगा स्लो सरफेस में अंदर आवेश वो है प्लस क्यू, तो समेशन क्यू इनसाइड का मतलब कितना हो जाएगा समेशन क्यू इनसाइड का मतलब क्यू और नीचे कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट जो कि हमारे यहाँ आर, तो कूलम के नियम से प्रूफ हो गया हमारा, तो कूलम के नियम से जो प्रूफ है वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में, और इसको दोबारा समझ लेना कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले मैं स्रोत आवेश लिया, स्रोत आवेश से आर दूरी पर हमें क्या निकालना आर दूरी पर बिंदु पी मान लिया, इस बिंदु पी को आर दूरी को त्रिज्या मानते हो, हमने क्या मान लिया एक गोली गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली, कल्पना करने पर डीएल पास लिया, डीएल पास से निर्गत फ्लक्स निकाला उस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र क्या होता फिर फ्लक्स निकाला फिर एरिया वेक्टर उसके बीच में कौन देख करके हमने ई का मान रख दिया, मान रख के सोल्व किया, सोल्व करने पर हमारे पास कितना आ गया फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हमने नियम द्वारा गाउस के नियम को सत्यापन किया पश्चात अब हम चलते हैं विद्युत फ्लक्स के आंकिक प्रश्नों पर, ठीक है चलिए शुरू करते हैं। विद्युत फ्लक्स का जो आंकिक प्रश्न है वो आपके बुक के उदाहरण ही पहले कर लेते हैं, पहला उदाहरण 2.1 मैंने पहले करवा दिया था, अब हम चलेंगे उदाहरण 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की नजर में और इस साल आने में उसकी पूरी संभावना रहती है, न्यूमेरिकल पोर्शन में ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है तो उदाहरण नंबर 2.3 है चलिए शुरू करते हैं हमारे 2.3 को, 2.3 क्या कह रहा है पहले बता देता हूं मैं गिवन में, ये कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है हमारे पास, तो लिख देते हैं मैंने गिवन के अंदर क्या क्या दे रखा है, हमें गिवन में दे रखा है एक 5 सेंटीमीटर इसका मतलब त्रिज्या में कितना कि आर बराबर 5 सेंटीमीटर बोले तो 0.05 मीटर, ठीक है अब देखो इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है वो कितना दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दे रखा है 5×10^5 वोल्ट इंटू कितना वोल्ट अपॉन में कितना है मीटर, एक बार ध्यान रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट अपॉन मीटर जो मात्रक है वो अभी आपके नहीं आया है, लेसन नंबर 3 के अंदर ये वोल्ट अपॉन मीटर आना चाहिए बट न्यूटन और कूलाम के पदों में लेना ये सूटेबल नहीं है, मतलब इसमें मैकेनिक्स कोई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर तो वोल्ट तो आना ही चाहिए, तो वोल्ट अपॉन मीटर इसका थोड़ा एक सफिशियंट मात्रक होता है, मतलब बच्चे सोचते हैं कि सर ये समझ में नहीं है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्ट आते ही जब तीसरा लेसन पढ़ेंगे हम तो पोटेंशियल भी आपको आ जाएगा उस दौरान आपको पूरा समझ में आ जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर क्यों है, सारा अगर प्रायोरिटी में वोल्ट अपॉन मीटर ही लेना, ठीक है ये कह रहा है
इस प्रकार स्थित है कि इसका तल, देखना बेटा सुनना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली, इसका तल जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है? 30 डिग्री विद्युत क्षेत्र के साथ। मैं पूरा लिख रहा हूं क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। अगर ये 30 डिग्री कोण बनाता है तो निर्गत फ्लक्स निकालना है आपको। टू फाइंड आउट मैंने क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो हमारा क्वेश्चन मार्क है। डायग्राम बनाते पहले, सबसे पहले ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं मैं। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर शक्ति स्थित है, शक्ति है वर्ताकार है। तो वर्ताकार शक्ति जो है इसका तल, तल का मतलब क्या होता है बेटा, सुनने की कोशिश करना, जैसे मैं आपको इस बुक से समझाता हूं। तो मतलब वो शक्ति इस प्रकार स्थित है कि इसका तल जो, मतलब ये जो प्लेन है, ये प्लेन 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो प्लेन मतलब ये ऐसे झुकी हुई है, यहां पे ये 30 डिग्री कोण बना रही है। तो इसका मतलब जो शक्ति रखी हुई वर्ताकार शक्ति में बना के दिखाता हूं आपको। तो ये हमारे पास वर्ताकार शक्ति है, इस वर्ताकार शक्ति का जो तल है, मतलब कैसे सुनना है मिनट के लिए, ये पहले वर्ताकार शक्ति बना दी मैंने। इस वर्ताकार शक्ति का तल जो है ना, जैसे इसका डायमीटर खींचू व्यास, तो ये 30 डिग्री कोण बना रही है। दोबारा सुनना, इस वर्ताकार शक्ति का तल 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो देखो 30 डिग्री कोण मतलब इसकी जो व्यास कितना था, उसका व्यास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री कोण बना रहा है। परंतु हमें पता है कि विद्युत फील्ड की परिभाषा जो होती है वो कितना होता है, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल या नॉर्मल सरफेस ही ई डॉट कितना होता है वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब जब बताएं तो फाई बराबर कितना देगा सरफेस के लिए, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है बेटा, ई वेक्टर क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के मध्य बनने वाला कोण, क्षेत्रफल सदिश के मध्य बनने वाला कोण। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस तरफ होगा। जैसे मैंने शक्ति बनाई है, इस शक्ति के बारे में थोड़ा गौर से समझना बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस शक्ति का क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इस तरफ होगा, ये तो हमारे पास कितना है डी ए वेक्टर। जबकि इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरफ है, इस तरफ, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट इस शक्ति का तल एंगल बना रहा, तो मतलब ये कोण कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। तो बेटा पूरा एंगल कितना होगा यहां से लेकर यहां तक का, ये कोण होगा 90 डिग्री, क्योंके तल के और क्षेत्रफल सदिश के बीच 90 डिग्री कोण बनता है। अगर ये एंगल थीटा है, सुनना ये एंगल 30 डिग्री है, तो बाकी बचा एंगल कितना होगा 90-30, और 90-30 कितना होता है बेटा 60 डिग्री। तो यहां पे यहां डी ए एन कैप मतलब क्षेत्रफल सदिश व ई वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण थीटा जो होगा वो कितना होगा 90-30। जब भी ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर तल के साथ जो कोण बनता है तो उसमें से 90 घटा, अगर इसमें से 90 में से ये घटा दे तो हमारे पास आएगा क्षेत्रफल सदिश और वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण 60 डिग्री। अब एंगल आ गया, ये अपने को दे रखा है और क्षेत्रफल सदिश निकाल सकते हैं। तो अगर क्लोज सर्किट पूरे के लिए लगाए तो फाइव बराबर कितना देगा ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर ई, ठीक है। वर्ताकार शक्ति क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर और कॉस 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं बेटा इसको, ई कितना होगा हमारे पास, ई हमारे पास 5 × 10⁵ इंटू पाई का मान देता 3.14, आर का मान देता दे रखा है हमारे पास, आर का मान हमें दे रखा है 0.05 का होल स्क्वायर और cos 60 का मान हो जाएगा हाफ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं पूरे को, सॉल्व करने पर हमारे पास पहले 5 फिर 3.4 फिर 0.05 × 0.05 मल्टीप्लाई हाफ और यहां पे कितना आएगा 10⁵, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व, हल करने पर इसका आंसर कितना आया
1.96 इंटू 10 टू की पावर 3 वोल्ट अपॉन में कितना आया मीटर, सॉरी वोल्ट इंटू कितना आ रहा मीटर। अब हमारे पास दो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उदाहरण नंबर 2.5 2.4 मैंने पहले करवा दी है जब सतावीस वितरण पढ़ाया था, तो 2.5 उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको 2.5 को समझने के लिए आपको 2.3 2.4 एग्जांपल जो मैंने करवाया सतावीस वितरण वाले टॉपिक के अंदर वो समझना बेहद जरूरी है क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समान रूप से आवेशित एक वलय और एक गोला, दोनों की त्रिज्या कितनी है आर है, दोनों पर आवेश कितना है क्यू, गोले के केंद्र से वलय के अक्ष, गोले का केंद्र तथा वलय का अक्ष, गोले का केंद्र जो है वो वलय के अक्ष पर विद्यमान है, तो वलय के केंद्र से आर रोड तीन दूरी पर गोले एवं वलय के मध्य विद्युत बल का मान ज्ञात करो। पहले सुन लेते हैं क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है बेटा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान त्रिज्या वाले, तो समान त्रिज्या वाली कौन कौन सी वस्तु है, एक तो गोला है और दूसरी कौन सी है वलय, ठीक है। मान ले त्रिज्या कितनी है, माना त्रिज्या कितनी है आर, ठीक है। दूसरे टॉपिक में क्या कह रहा है, गिवन के अंदर समान आवेशित है, इक्वल चार्ज आवेशित है, लेट कर लिया वो कितना है क्यू मान लेते, इसमें दे भी देखा क्यू। अब क्या कह रहा है सुनना बेटा कि इस ये जो वलय है इस वलय के केंद्र से, ये हमारे पास वलय का सेंटर है, इस वलय के सेंटर से आर रोड तीन दूरी पर, मतलब ये जो एक्स दूरी होती है अक्ष के अनुदिश वो कितना है आर रोड तीन दूरी पर एक गोला स्थित है जिसकी त्रिज्या भी कितनी है आर। और एक और बड़ी बात इसने कहा है कि गोले का जो केंद्र है ना वो वलय के अक्ष पर विद्यमान, और ये भी क्या है समान आवेशित है, तो समान आवेशित जब भी मानना पड़ता है तो हमें प्लस की ओर से मानना अच्छा रहता है, वैसे इसमें क्यू दे रखा है वो प्लस थ्री ऑलरेडी, वलय भी क्या है पॉजिटिव आवेशित है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वलय के द्वारा एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसका सूत्र चाहिए, और वो मैंने लेक्चर नंबर जो 2 है 47 वितरण उसके अंदर पढ़ा है। तो हम क्या निकालेंगे, वलय के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वो कितनी होगी, हमें पहले पढ़ चुका है इसके बारे में, ये होती है हमारे पास के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना होगा 3/2, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का परिमाण है तो देखो बेटा इसमें एक्स बराबर कितना रखना है, एक्स बराबर आर रूड तीन दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो कितनी हो जाएगी ई एक्स बराबर आर रूड तीन दूरी आर रूड थ्री, वो हो जाएगा के क्यू रूड थ्री आर अपॉन में ये हो जाएगा रूड थ्री आर का स्क्वेयर आर स्क्वेयर ब्रैकेट 3/2। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास आर सॉरी रूट थ्री क्यू आर और के का जो मान है मैं 4π ε0 के बदल देता हूं 4π ε0, ये देखा मैं खोलने पर कितना आएगा 4r, क्योंकि रूट तीन आर का स्क्वायर आर स्क्वेयर 3r स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर कितना देगा 4r स्क्वेयर, इसकी पावर कितनी होगी 3/2, हाफ आवर से कट जाएगा ये स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रूट थ्री क्यू आर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4π ε0, खोलने पर ये कितना आ जाएगा तो बेटा कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर कैसे तो इसको, तो 2 का स्क्वायर और इसके से करने पर 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, तो ये कितना आएगा 8r³। अब सॉल्व करें इसको,
तो एक आर से एक आर कैंसिल उठ जाता है, तो यहाँ पे कितना बच गए स्क्वेयर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी हमारे पास रूट थ्री क्यू अपॉन में आर चौक 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। ये हमने क्या निकाल दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकाल दिया, कितनी दूरी पर, आर रूट तीन दूरी पर। देखो जो गोले का जो सेंटर है, मतलब गोले का संपूर्ण जो चार्ज है वो यहां केंद्रित मान सकते हैं। जैसे मैंने वलय का निष्कर्ष निकाला था, तो किसी प्रकार इसका भी निष्कर्ष यही कहता है कि जो गोले का संपूर्ण चार्ज है वो यहां पर है। तो इस क्यों गोले पर लगने वाला बल कितना होगा तो हम देखेंगे। अतः क्यों आवेशित गोले पर लगने वाला बल वो कितना होगा, बल जो होता है वो क्यू इंटू कितना होता है ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वलय के कारण, ई किसका है, वलय का रोल कर रहा है, वलय के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, रख दो इसके अंदर से ये मान, तो मान इतना पर आएगा एफ, जो बल लगेगा किसके ऊपर, गोले पर, वो कितना आएगा क्यू, और ये हो जाएगा रूट थ्री क्यू और 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सोल्व करने पर कितना आएगा, रूट थ्री अपॉन में 32 क्यू स्क्वायर अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल दिया, उस गोले पर लगने वाला विद्युत बल निकाल दिया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो गॉस पर, गॉस के नियम पर आधारित है। उदाहरण नंबर 2.6 वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 0.03 त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है, तो गोलीय पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, जब इस पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी करने पर फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो बेटा क्या कहना चाह रहा है, एक अपने को चार्ज दे रखा है, पहले तो उस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या दे रखी है, आर बराबर कितना दे रखा है 0.03 मीटर, चार्ज पहले से इसके सेंटर पर वो दे रखा है 7.6 माइक्रोकूलम, 7.6 माइक्रोकूलम। ठीक है, टू फाइंड आउट में हमें क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स, पहले तो विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। ठीक है, फिर दूसरा केस क्या कह रहा है, यदि त्रिज्या दो गुनी कर दी जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, फ्लक्स का मान कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम फ्लक्स निकाल लेते हैं इसका। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम देखा जाए तो बेटा अब ई वेक्टर और डी वेक्टर तो लगने वाला है नहीं, क्यों नहीं लगने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे ही नहीं रखा अपने को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होता तो मैं फ्लक्स लगाता। इसका मतलब निकालेंगे किससे, वो होता है समेशन क्यू अपॉन में गॉस के नियम से एप्सिलॉन, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि गोलक दे रखा है उसका चार्ज कितना दे रखा है 7.6 माइक्रो कूलम, तो सबसे पहले इस माइक्रो को सॉल्व करते हैं कूलम में लेके आते हैं, तो 7.6 इंटू 10 टू उसकी पावर बता देगा माइनस का 6, ये आ गया हमारे पास कूलम के अंदर। ये हमारे पास इसकी त्रिज्या मैंने कितनी मान ली, आर जो दे रखी क्वेश्चन के अंदर स्मॉल आर दे रखी है, ये मैंने गोला बना लिया। निकाल लो फ्लक्स, फ्लक्स कितना अंदर कितना डालते हैं 7.6 और कितना देगा 10 की पावर माइनस 6। अब एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो आपको पता है 8.85 होता है, पर बेटा हमें बार बार एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, हम इस कूलाम के नियम को जो सॉरी गॉस का नियम है उसमें एप्सिलॉन नॉट ना लिखेंगे, के मान के पदों में लेके आएंगे, क्योंकि के का मान एक आसान टर्म है। तो देखो बेटा जो हमारे पास बात करें के का मान किसके लिए, सीजीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में, सॉरी एनकेएस पद्धति में, वो कितना होता है 9×10 की पावर कितना होता है 9। अब देखा जाए मैं 1/ एप्सिलॉन लिख दूं तो कितना आएगा 4π के आएगा या नहीं आएगा, तो यहां पे मैं गॉस के नियम का एक रूप है वो ये लिख रहा हूं 4π के समेशन क्यू, यही नियम हमें याद करना है, इसमें हम k का मान आसानी से दे सकते हैं, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है, वरना भाग में दिक्कत आ सकती है आपको। तो 4 × 3.4
और ये तो पाई का मान आ गया, के का मान कितना होता है 9 × 10 की पावर 9 इंटू चार्ज कितना है 7.6 × 10 की पावर -6। सोल्व कर लो इसको, सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 4 × 3.1497.6 और ये आएगा 10 की पावर +3 और इसको हल करने पर कितना आंसर आ रहा है 8.6 × 10 की पावर +5 वोल्ट इंटू कितना आएगा मीटर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक लॉस का मान आ चुका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया पार्ट है कि यदि त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा। देखो गाउस के नियम में विद्युत फ्लक्स जो होता है वो गाउसियन पृष्ठ पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर ये गाउसियन पृष्ठ पे निर्भर नहीं करता क्योंकि इसमें रेडियस का कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा, अतः चाहे त्रिज्या बल्कि दोगुनी कर दे, चाहे 5 गुनी कर दे, चाहे 1000 गुनी कर दे, विद्युत फ्लक्स का मान उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा है, उदाहरण नंबर 2.7। ये कह रहा है चित्रानुसार एक बिंदु आवेश एक अर्ध गोले, बिंदु आवेश क्यों, एक अर्ध गोले के पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा है, मतलब 2.7 में ये कह रहा है अर्ध गोले का जो पृष्ठ होता है, ये हमारे पास अर्ध गोला है, इस अर्ध गोले के पृष्ठ पर क्या है एक चार्ज पहले से कैपिटल क्यू, यहां पे स्मॉल क्यू चार्ज पहले से है, तो पूछ रहा है कि इस अर्ध गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकाल। हमें क्या निकालना, विद्युत फ्लक्स, वो भी किसके, एक अर्ध गोले से, अर्ध गोले से। ठीक है, चलते हैं अर्ध गोले से कैसे निकालेंगे। देखो यहां पर चीज इंपॉर्टेंट है बेटा कि अर्ध गोले से विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए पहले हमें देखेगा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना क्षेत्रफल सदिश है, तो वो तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो श्योर हो गया कि कौन सा क्लोज इंटीग्रल कह सकते हो डी वेक्टर डॉट ई वेक्टर डॉट कितना होता है डी वेक्टर, ये तो किसी हालत में नहीं लगेगा, लगेगा तो गाउस का नियम। अब गाउस का नियम भी लगने के लिए तो पहले क्लोज सर्फिस होना चाहिए, मतलब आवेश परिबद्ध होना चाहिए, बट इससे अगर मैं देखूं तो आवेश ऊपर से मुझे दिख रहा है, इसका मतलब अभी ये आवेश परिबद्ध नहीं है, अभी इस हालात में हम इस गाउस के नियम को नहीं लगा सकते, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ढकना पड़ेगा। सपोज करो नींबू है, नींबू को आधा काटा हुआ है तो नींबू के बीज दिखेंगे, हमें नींबू के बीज दिखाने नहीं है, हमें नींबू को ढकना है, उसके ऊपर कटा हुआ नींबू उसके ऊपर रख दे तो क्या हो सकता है बंद, तो मैंने क्या कर दिया इसको बंद कर दिया ताकि ये जो चार्ज वो दिखे नहीं, अब ये चार्ज बंद हो गए तो अब संपूर्ण गोले से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण गोले से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण गोले से निर्गत फ्लक्स जो होता है गॉस के नियम से कितना होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गोले में चार्ज दिखा नहीं है मेरे कंडक्टर तो कितना देगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बट आधा गोला तो हमारे पास आधा भाग है वो अपना कितना रोल कर रहा है हाफ, तो अर्ध गोले का पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स होगा अर्ध गोले के, वो कितना हो जाएगा संपूर्ण गोला के कितना हो जाएगा संपूर्ण गोले का कितना भाग दे रहा है हाफ मतलब आधा पार्ट, तो संपूर्ण गोले का कितना फ्लक्स है क्यू ओपन में एप्सिलॉन नॉट और ये डिवाइडेड बाय 2, तो अर्ध गोले का कितना हो जाएगा अर्ध गोले का हो जाएगा क्यू ओपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, वो अपना आधा भाग रोल कर रहा है। अगर यहां में क्या कर देता इसको ऐसा कर देता चौथाई भाग कर देता, चौथाई भाग कर देता मतलब कैसे, चौथाई भाग का मतलब क्या कह रहा हूं कि यहां पे बेटा इतना पार्ट रोल कर रहा है, मतलब यहां रखा गया चार्ज है, यहां रखा गया चार्ज और चौथाई पार्ट है, तो अब हमें क्या करना पड़ता पहले इसको ढकना पड़ता, तो ढकना पड़ने के लिए हम कितने भाग देते ये पूरा बनाना पड़ता, तो पूरे से तो कितना फ्लक्स निकल रहा है क्यू पर एप्सिलॉन नॉट, अब ये गोले का कितना भाग है चौथाई, तो कितना आ जाता 1/4, जितना पार्ट करोगे उतना ही क्या हो जाएगा फ्लक्स का भी तो देगा उतने गुना कम हो सकता है। जैसे मैंने इसका जो समझाने का तरीका है वो मैंने गाउस के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु में समझाया सिमेट्रिक फ्लक्स के लिए, वहां जाकर आप स्टॉप के समझना आपको समझ में आने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आज की जो लेक्चर रेस्ट थी उसके अंदर हमने 2 टॉपिक पढ़े गॉस के नियम के, गॉस के नियम का सत्यापन गुलाम नियम द्वारा, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। कल जो टॉपिक होगा हो सकता है मैं न्यूमेरिकल्स के बारे में करूँ कि पूरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें गॉस का नियम तक के जो प्रॉब्लम्स है वो समाप्त कर ले, जिसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है घन से रिलेटेड प्रॉब्लम,
कंपटीशन में बहुत बार और लगभग हर बार नीट के क्वेश्चनों में आती है, तो वो भी करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन में है बुक के पीछे वाले, तो उनको कंप्लीट करते हुए हम चलेंगे नेक्स्ट जो परसों लेक्चर सीरीज होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो वीडियो पर अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, और अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करो।